उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर कुछ ही दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बात करते हैं सीसामऊ सीट की, जहां से सपा विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई। अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके बाद उनकी विरासत कौन संभालेगा। चर्चाओं में जो नाम है उनकी पत्नी नसीम सोलंकी का है। हमारे साथ बात करने के लिए भी इस वक्त मौजूद हैं, बात करेंगे। मैम, चुनाव की जो है तैयारियाँ आई एम श्योर आप लोग कर रहे होंगे, जो तारीख है वो कहीं ना कहीं भी अनाउंस होने वाली है, क्या चल रहा है, कौन लड़ेगा, इसके लिए आप लोग के अंदर खाने क्या बात चल रही है? चुनाव के लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है तो उसके लिए तो बिल्कुल परिवार ही लड़ेगा, और हमारी जो पारंपरिक सीट है इस तरीके से तो छोड़ने नहीं वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल हम ही या परिवार में जो भी लड़ेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिनके लिए कहा है, और बाकी कोशिश करेंगे कि सीट बची जाए। हमारी पहली कोशिश तो यही अपील, और जब तक तारीख नहीं आ जाती है तो हम लोग कोशिश बिल्कुल कोर्ट से ही कर रहे हैं। पहली कोशिश हमारी कोर्ट से है, और उस नहीं अगर वहाँ से हमें मिला तो फिर हम लोग जो है हम लोग बिल्कुल हमारी जो पारंपरिक सीट है उसको जाने नहीं देने वाले हैं। इरफान इस बार कोर्ट आए, उन्होंने बताया कि उपचुनाव होगा ही नहीं। उनका कहने का मतलब था कि हाई कोर्ट से उनको जो राहत मिलेगी, हालांकि 2 हफ्ते की जो है डेट वो कहीं ना कहीं लगी है, लगती हुई नहीं दिख रही राहत। आपको कितना यकीन है कि उनको कोर्ट से राहत मिल पाएगी और दोबारा उनकी विधायकी रिस्टोर हो पाएगी? जी, हम लोग कोशिश, आपकी उम्मीद तो नहीं थी कि इतनी लंबी डेट लग जाएगी। खैर, वो जो उनकी जो अपील लेट लगी थी, शौकत भाई की शादी, इस वजह से भी हो गया, जो भी वजह रही हो, हमें उम्मीद थी कि कोर्ट से ही हम लोगों को मिल जाएगी। विधायक जी को तो 100 में 100 ही उम्मीद है कि वहीं से ही हम लोगों को इंशाल्लाह हो जाना चाहिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी और चुनाव ही ना हो, अच्छा हो, बेहतर हो, पर अब नहीं है। तो अगर पहली बात तो उम्मीद अभी छोड़ी नहीं है, अगर मिल जाता हम लोगों को कोर्ट से मौका तो अच्छी बात है, नहीं तो विधायक जी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और मान ही रहे हैं, पर एक कोशिश है, अल्लाह से दुआ तो यही है कि अपील ही पे सुनवाई हो जाए। बात करी जाए अगर प्रपोजल की, तो यहाँ से एक प्रपोजल भेजा गया आपके नाम का, जिस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मोहर भी लगा दी। आप भी ये बात बखूबी जानती हैं कि अगर वो नहीं रहते हैं तो आप ही मोस्ट प्रोबेबली चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में क्या बातचीत होती है आपकी इरफान सोलंकी जी से, कि आपको क्या ट्रेन करते हैं कि राजनीति में ये ऐसा करना सीखो आगे आओ, या कुछ क्या बातें होती हैं? अभी बात हुई थी, अभी लास्ट टाइम आए जब कोर्ट आए थे तो उनसे मुलाकात हुई थी बंटी भाई से, तो उन्होंने कहा था, तो उन्होंने कहा अरे आप लोग हैं तो देख ही रहे हैं और कोशिश करेंगे कि अल्लाह करे चुनाव से पहले बाहर ही आ जाए, जमानतें हो जाए, ये बाहर रहें तो यही देख लेंगे चुनाव, तो बहुत ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर नहीं होता है तो आप तैयार हैं लड़ने की? जी बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो हमने आपसे कहा तो हमारी घर पारिवारिक सीट है और इस तरीके से तो नहीं छोड़ना चाहते, हम लोग भी नहीं जाना है। एक चुनाव हार जाए वो बात अलग है, पर इस तरीके से अभी हम लोग गिव अप नहीं करेंगे। चाहेंगे कि घर का कोई आदमी जो इतने सालों से लड़ता रहा वही? बिल्कुल बिल्कुल, हमने पहले भी कहा था कि कोशिश करेंगे कि सीट घर में ही रहे। जो इतना कुछ बीते समय में हो गया, पिछले एक साल में हमने देखा कि पहले सपा विधायक पे कुछ आरोप लगे, फिर वो जेल में है, अब आरोप सिद्ध भी हो गए, आपको क्या लगता है कि किस हिसाब से आरोप में जो फैसला आया है कितना ठीक है, और क्या इसके पीछे की पूरी बात थी आपके हिसाब से? क्या हमारे हिसाब से तो हमारे मन मुताबिक फैसला नहीं आया, क्योंकि जो है कोर्ट का फैसले को तो हम नहीं उंगली उठाएंगे या कुछ कहेंगे, पर मुकदमे तो झूठे ही लगे थे, सारी चीज़ें झूठे, शुरुआत तो झूठ से ही हुई थी, और बाकी हम लोग ने ठीक है अब यहाँ से हुआ, अब आगे इसकी लड़ाई लड़ेंगे, जारी रखेंगे इसकी, जब तक हम लोग बिल्कुल जो है चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती। कहीं ना कहीं जो प्लॉट का मामला है कि जिस पे आग लगाने की बात हुई, वो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं झूठी थी? हाँ झूठी है, बिल्कुल सरासर झूठी है, हम इस चीज़ को बार बार कहेंगे कि ना विधायक जी ने आग लगाई है, ना रिजवान सोलंकी और जितने लोगों के नाम, किसी ने आग नहीं लगाई। भाई एक बात बताइए, जो मालिकाना है वो अपने प्लॉट पे क्यों आग लगाएं, पहली बात। तो दूसरी बात, जो वो महिला है जिसने ये एक मुकदमा लिखाया, उनकी लड़ाई केडीए से है, ना कि हमारे परिवार से, ना रिजवान सोलंकी से भी नहीं थी उनकी लड़ाई, वो अपनी लड़ाई केडीए से लड़ती, पर उन्होंने दिशा ही गलत ले ली थी। क्या लगता है उनके पीछे किन लोगों का, कुछ लोगों का हाथ था, कैसे मोटिवेट हुई और कैसे उन्होंने एग्जाम? अब वो उसकी मजबूरी रही होगी या उसकी जो है जो भी रहे हो, वो चाहती होगी कि इरफान सोलंकी का अगर नाम ले लेते हैं तो इसमें केस हाईलाइट हो जाएगा या हमें वो जगह मिल जाएगी, पर वो जो चीज़ उनकी है ही नहीं, वो उनकी लड़ाई केडीए से, तो वो उनको केडीए से मिलेगी ना, ना कि इरफान सोलंकी या रिजवान पे जो है झूठे मुकदमे लगाकर। तो ये लड़ाई तो खैर लंबी है, उनके लिए ज़्यादा लंबी है, क्योंकि इंशाल्लाह यहाँ से तो छूट जाएगा, प्लॉट भी रिजवान को वापस मिल जाएंगे, पर वो उनको मिलना होगा या नहीं होगा वो तकदीर की बात है। आखिरी सवाल आपसे लेंगे,
आपकी बात भी हुई बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, कई बार आपके कई दिग्गज नेता भी आए पार्टी के, उन लोग ने आपसे क्या बातचीत करी, कैसे क्या आपको तैयार रहने को बोला इस पूरे चुनाव में, क्या बातचीत? हाँ, हमारी उनसे बात हुई थी, फजल भाई आए थे, अध्यक्ष जी आए थे घर पे, और उन्होंने मैसेज भी दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, तो उन्होंने ये कहा था तैयारी के लिए, और पहले तो पहले अपील के लिए बोल रहे थे कि आप कोशिश करें, बाकी नहीं तो फिर तैयारी रखिएगा, क्योंकि आगे की लड़ाई अभी रुकी नहीं है, लड़ना है और लड़ेंगे हम लोग। 25 साल से जो सीट है सपा के पास ही रहेगी कि कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी का चांस? नहीं, कभी नहीं, इंशाल्लाह कभी नहीं, रहेगी सपा ही के पास रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे नसीम सोलंकी, इरफान सोलंकी की पत्नी, जिनका कहना है कुछ भी हो जाए सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के पास ही रहेगी और सबसे महत्वपूर्ण परिवार के पास रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर।